दिस इज उज्वल एंड वेलकम टू माय टिप्स ऑन स्मार्ट टेलीफोन। दोस्तों आज हम देखने जा रहे हैं प्रोसेसर्स, मोबाइल प्रोसेसर्स। मोबाइल प्रोसेसर्स में मीडियाटेक आएगा, इंटेल एटम प्रोसेसर आएगा और आएगा क्वालकॉम स्नैपड्रैगन प्रोसेसर। तो ये तीनों प्रोसेसर एक्चुअली है क्या, कौन से कंपनी के है, कौन से देश के हैं, इनमें डिफरेंस क्या है, कैसे काम करते हैं, तो ये वीडियो बहुत ही काफ़ी बड़ा होगा। तो इसलिए मैंने सोचा कि इसके मैं कुछ पार्ट्स करूँ, कुछ हिस्से बनाऊँ। तो ये मेरा वीडियो होगा फर्स्ट पार्ट मोबाइल प्रोसेसर्स पर। तो आइए देखते हैं मीडियाटेक वर्सेस इंटेल एटम वर्सेस स्नैपड्रैगन क्वालकॉम प्रोसेसर। दोस्तों पहले लेते हैं मीडियाटेक। मीडियाटेक जो प्रोसेसर है वो ताइवान कंट्री का है। ये फास्ट है क्योंकि इसमें ज़्यादा कोर होते हैं, ऑक्टो कोर, हेक्सा कोर, डेका कोर, ज़्यादा कोर यूज़ करते हैं मीडियाटेक कंपनी। जहाँ भी बात कही जाए हीट के प्रॉब्लम में, तो ऑफकोर्स मीडियाटेक के जो प्रोसेसर्स हैं वो थोड़ा ज़्यादा हीट अब क्रिएट करते हैं क्योंकि ज़्यादा कोर्स होने से ज़्यादा हीट लगे, ज़्यादा हीट बढ़ जाएगा सीपीयू का, तो इनके इसमें ज़्यादा हीट रहेगा मीडियाटेक केस में क्योंकि ज़्यादा कोर्स रहेगा। जहाँ तक बैटरी की परफॉर्मेंस है, मीडियाटेक पीछे है बैटरी परफॉर्मेंस में। मीडियाटेक ज़्यादा कंज्यूम करता है बैटरी को। अभी बात की जाए इंटेल की, इंटेल की स्पीड तो बढ़िया है, ग्राफिक्स भी अच्छा है, लेकिन ग्राफिक्स वो थर्ड पार्टी का यूज़ करते हैं, पावर वी आर इस तरह से। उनका खुद का भी आयरिश है, वो आगे आने वाला है। और जो मीडियाटेक का है वो भी थर्ड पार्टी जीपीयू यूज़ करते हैं प्रोसेसर में अलग सा, जो कि मालिक आता है उनका जीपीयू यूज़ करते हैं मीडियाटेक वाले। पर जो स्नैपड्रैगन है वो खुद का जीपीयू यूज़ करते हैं खुद के चिपसेट में, जिसे कहा जाता है एड्रिनो। तो अभी हम सुन लेते हैं इंटेल का। इंटेल का दोस्तों ग्राफिक्स ठीक है, फास्ट है, स्पीड है, बट एज यूजल जैसा मीडियाटेक करता है वैसे ये भी ज़्यादा हीट प्रोवाइड करता है, ज़्यादा हीट बढ़ा देता है और बैटरी परफॉर्मेंस घटती है जिसकी वजह से। तो सेम यहाँ पर होता है जैसा मीडियाटेक के साथ हो वैसे ही इंटेल के साथ भी होता है। अब बात कीजिए स्नैपड्रैगन क्वालकॉम प्रोसेसर्स की। तो दोस्तों ये कंपनी है अमेरिकन कंपनी, जो बहुत ही उमदा, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही फेमस कंपनी है ऑल ओवर वर्ल्ड में, खासकर प्रोसेसर मोबाइल्स के प्रोसेसर्स के लिए। क्वालकॉम स्नैपड्रैगन बहुत ही फेमस है, 615, 625, 650, 810, 820, 830 अभी आ रहा है। तो बहुत सारे इनमें सॉक्स हैं, इनको सॉक कहा जाता है, SoC सॉक चिपसेट। तो इनके प्रोसेसर में क्या डिफरेंस है, जो स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर है वो प्रोसेसर के अंदर इनबिल्ड जीपीयू दिया गया है क्वालकॉम की तरफ से, जिसे कहा जाता है एड्रिनो। तो इसलिए इनका बैलेंस होता है कि ये ग्राफिक्स इनका अच्छा होता है, बहुत ही बढ़िया होता है, फास्ट परफॉर्मेंस होता है, बहुत ही अच्छा मल्टीटास्क, हैवी टास्क करते हैं स्नैपड्रैगन प्रोसेसर्स बिना किसी ज़्यादा हीट के। जी हाँ, ज़्यादा हीट क्रिएट नहीं करते हैं स्नैपड्रैगन प्रोसेसर्स कंपेयर टू मीडियाटेक और इंटेल। और सबसे बढ़िया बात, पावर एफिशिएंसी ज़्यादा बढ़ाता है, यानी कि बैटरी बैकअप बचाता है, बैटरी की एफिशिएंसी लाइफ बढ़ाता है स्नैपड्रैगन क्वालकॉम, क्योंकि हीट बहुत ही कम क्रिएट होता है स्नैपड्रैगन में। तो दोस्तों आज के ये वीडियो में था कि इंटेल मीडियाटेक ये दोनों को कंपेयर, स्नैपड्रैगन क्वालकॉम जो है वो बहुत ही बढ़िया है, भले फिर वो मल्टीटास्किंग हो या ग्राफिक्स में हो, हाई लेवल गेम्स खेलना हो या बेटर परफॉर्मेंस मल्टीटास्क अटेंड करना हो, या बैटरी पावर बैकअप हो, या हीट ज़्यादा नहीं चाहिए, तो ये सब में सबसे आगे है स्नैपड्रैगन क्वालकॉम प्रोसेसर्स। सिर्फ स्नैपड्रैगन का जो 810 चिपसेट है वो बहुत ही ज़्यादा हीटिंग का इश्यू आ गया था, तो एक्सक्लूडिंग 810 छोड़कर बाकी सब स्नैपड्रैगन के जो भी प्रोसेसर्स हैं वो बिल्कुल भी ज़्यादा हीट क्रिएट नहीं करते हैं कंपेयर टू मीडियाटेक और इंटेल। तो आज का ये जो हमारा वीडियो हुआ फर्स्ट पार्ट, जिसमें हमने दिया मीडियाटेक वर्सेस इंटेल वर्सेस स्नैपड्रैगन क्वालकॉम, ये तीनों में फाइनल विनर हुआ है ये फर्स्ट पार्ट में, अफकोर्स क्वालकॉम स्नैपड्रैगन, जो कि मीडियाटेक और इंटेल से बेटर है मल्टीटास्किंग में, ग्राफिक्स में, बैटरी एफिशिएंसी में और हीट बिल्कुल ज़्यादा क्रिएट नहीं करता है। तो दोस्तों अगर से मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ एक लाइक कीजिए और प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलिए मेरे चैनल को। तो ऐसे देखते रहिए, इसका अगला मैं पार्ट निकालूंगा जिसमें कहा जाएगा कि मीडियाटेक में कौन से
वेरिएंट्स है, कौन से कौन से चिपसेट्स है, 6M5 2, 6M5 7 से जो भी वराइटीज है सीपीयू के, वो आपको डिटेल में बोलूँगा। और इंटेल के क्या है, ड्यूल कोर ऑक्टा कोर जो भी है इंटेल का, वो आपको डिटेल में कहा जाएगा, इसमें बताया जाएगा नेक्स्ट वीडियो में। स्नैपड्रैगन के कितने वेरियंट्स हैं, जैसे कि अभी मैंने बताया आपको 610, 625, 650, 810, 820, ये सभी जो भी हैं उनके बारे में एक ब्रीफ समरी मैं दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। तो ऐसे मैं बहुत सारे पार्ट करने वाला हूँ ये वीडियोज़ के, क्योंकि बहुत बड़ा होगा ये वीडियो प्रोसेसर का, तो और बहुत डीप जाना है मुझे इसमें, आपको पूरा डिटेल में बताना है मुझे कि एक्चुअली मीडियाटेक प्रोसेसर है क्या, कैसा काम करता है, और इंटेल प्रोसेसर है क्या और कैसा काम करता है, स्नैपड्रैगन प्रोसेसर है क्या और कैसा काम करता है। तो ये तीनों में अल्टीमेट लास्ट में जो भी जितने भी वीडियो या पार्ट्स क्रिएट हो जाएंगे, लास्ट में मैं रेटिंग्स दूंगा सभी को और आपको बताऊंगा कि कौन सा बेटर है और आपको क्या है, आपको गेम खेलना है तो कौन सा प्रोसेसर वाला लेना चाहिए, या ज़्यादा वीडियो रिकॉर्डिंग शूट वगैरह करते हो तो कौन सा प्रोसेसर लेना चाहिए, या सिर्फ आप ऐप्स वगैरह ज़्यादा यूज़ करते हो तो कौन सा प्रोसेसर लेना चाहिए। तो ये सभी लास्ट में आपको आएगा समरी, या यूँ समझिए मेरा एक आपको सजेशंस रहेगा कि लास्ट सभी वीडियोस के बाद कि आपको कौन सा प्रोसेसर लेने के लिए कंपेटेबल होगा आपके हिसाब से। तो देखते रहिए मेरा ये वीडियोस, जो भी पार्ट्स आएंगे अगले पार्ट्स इसके। तो तब तक लिए बाय बाय, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।